फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर ग्रिड टेम्पलेट रिपीट को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जब भी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको अगर हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको ऑटो से एक और बेटर तरीका होता है जिसका हम यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, रिपीट है। जैसे आप ऑटो का यूज करके इक्वली जो भी स्पेस होती थी अवेलेबल उसको आप डिवाइड कर पाते थे, लेकिन कई सारे उसके क्या होते थे, डिसएडवांटेज होते थे, जिस केसेस में वो वर्क नहीं करता था। इस वजह से रिपीट उससे क्या होता है, बेटर तरीका होता है कि जब भी आपको इक्वली स्पेस क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, उस कंडीशन पे आप ग्रिड टेम्पलेट के अंदर रिपीट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आप इसको किस प्रकार से यूज करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। रिपीट इज यूज टू डिवाइड ऑल अवेलेबल स्पेस। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि इसका काम क्या होता है, जो भी अवेलेबल स्पेस होती है अगर आप उसको इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप रिपीट को यूज करेंगे। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जब भी हम ग्रिड टेम्पलेट रिपीट की बात करते हैं उस कंडीशन पे क्या होता है, रिपीट को लिखने के लिए सबसे पहले आप रो को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली या फिर कॉलम्स को करना चाहते हैं, वो भी कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कितने रो देना चाहते हैं आप, कितने कॉलम्स में डिविजन करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम करते क्या है, जब भी हमें क्या करना होता है, रिपीट प्रॉपर्टी को सेट करना होता है अपने रो एंड कॉलम को डिवाइड करने के लिए, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रिड टेम्पलेट लिखना है। अगर आप रो के लिए कर रहे हैं तो आप रोज लिख देंगे, कॉलम्स के लिए करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स लिख देंगे। यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट सेम होगा दोनों में, सिर्फ रो एंड कॉलम्स में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप किसका डिविजन करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं सेम वैसे ही इसको भी लिख रहे होंगे, उसके बाद हम रिपीट को लिखते हैं। अब रिपीट हम लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारा किसका होता है, काउंट का होता है। सेकेंड किसका होता है, हमारे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए रिपीट, उसके बाद हमने क्या यूज कर लिया, काउंट, और यहाँ से वन एफ आर। वन एफ आर कहने का क्या मतलब होता है, यहां से वन फ्रैक्शन ऑफ 100% यहां पर क्या किसके होता है, ये विड्थ के होता है, या फिर विड्थ की जगह आप इसको क्या बोल देते हैं, अवेलेबल स्पेस, यानी जो भी कंटेनर के अंदर अवेलेबल स्पेस होती है उसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर 1FR कहने का क्या मतलब है, 1 fraction of 100% width। यहाँ पर जितना काउंट लिखा गया है, मान लीजिए आपने 1 काउंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए रोज को डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने काउंट लिख दिया कि हमारे पास 1 रो होनी चाहिए, जितनी हमारी स्पेस है यानी कि हमारी जितनी अवेलेबल स्पेस है उसका 100% क्या हो जाना चाहिए, रोज क्रिएट हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पर हमने फ्रैक्शन 2 यहाँ पर काउंट को 2 कर दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो भी 100% आपकी विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, 2 फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगी, यानी फर्स्ट इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 50%, सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 50%। तो इस प्रकार से हाफ ऑफ विड्थ क्या हो जाएगी, दोनों में डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप काउंट 4 रखते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारी 100% यहां पर क्या होगी, अवेलेबल स्पेस होगी, उसका क्या हो जाएगा, ये 25% क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और टोटली हमारे पास 4 रोज क्रिएट हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से हम कॉलम्स में कर सकते हैं, जब भी हम कॉलम्स का डिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम्स को जब भी हमें क्रिएट करना होता है उस कंडीशन पे हम यहां पर क्या करते हैं, टोटल हमें कितने रोज क्रिएट करने हैं उसकी वैल्यू यहां पर हम डाल देंगे। और वन फ्रैक्शन कहने का क्या मतलब है, यानी कि टोटल 1 fraction of 100% विड्थ जो होगी उसका 1 fraction में वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब इसको हम सबसे पहले करके देखने वाले, अभी के लिए जो यहाँ पर वैल्यूज यूज की गई हैं, जैसे हमने सिंपली सा रो एंड कॉलम में डिवीजन करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रोज और इसकी वैल्यू को यहाँ पर दे रखा है इस प्रकार से, लेकिन अब यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रिपीट को हम सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके लिए सेट करने वाले हैं, अपने रोज के लिए सेट करने वाले हैं। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से अभी के लिए हम हटा देते हैं, और सबसे पहले हमने यहाँ से क्या सेट कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट। उसके बाद यहाँ से हमने ले लिया ग्रिड टेम्पलेट रोज के लिए सबसे पहले सेट करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ से रिपीट लिखेंगे, रिपीट लिखने के बाद कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए, हम यहाँ पर काउंट लिखने वाले हैं 3, यानी टोटल 3 रोज क्रिएट होने चाहिए, वो भी 1 fraction of 100% विड्थ, यानी कि जो भी हमारी अवेलेबल स्पेस होती है कंटेनर के अंदर उसकी 1%, यानी कि उसकी 100% ऑफ विड्थ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए टोटल कितने के अंदर, 3 यहाँ पर रोज के अंदर। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
टोटली जो भी अवेलेबल स्पेस थी वो तीनों रोज के अंदर क्या हो गई है, यहाँ पर डिवाइड हो गई है। बाकी के जो भी आइटम्स थे वो क्या हो गए हैं, नीचे जो भी इनके लिए स्पेस थी उसमें क्या हो गए हैं, ये जाकर के फिट इन हो गए हैं। और बाकी की जो भी अवेलेबल स्पेस थी वो इन तीनों के लिए क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अगर यहीं पर हम रिपीट जो काउंट की वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, फोर कर देते हैं, यानी हम चाहते हैं कि टोटली फोर यहाँ पर रोज क्रिएट होने चाहिए। उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे रोज थे वो क्या हो चुके हैं, टोटल फोर क्रिएट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल इक्वल। इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कॉमा को लगाएंगे सबसे पहले और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट वाले के लिए सेकेंड थर्ड फोर्थ टोटली फोर रोज जो है हमारे वो क्रिएट हो गए हैं इक्वल साइज के, क्योंकि 100% विड्थ का 1FR है, यानी 1 फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो 100% विड्थ का यहाँ पर 1FR 1 फ्रैक्शन के इक्वल यहाँ पर सारे के सारे क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो हमारे आइटम्स है वो क्या हो गए हैं, लास्ट में प्लेस हो गए हैं। अगर इसके लिए भी हम रोज को डिफाइन कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने टोटल 6 कर दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारे सारे रोज को इक्वल साइज क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कंटेनर के अंदर जो भी अवेलेबल स्पेस थी वो क्या हो गई है, इक्वली 3 रोज के अंदर क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, जिसमें हमारे सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, यहाँ पर फिट एंड हो गए हैं। अगर अभी के लिए यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ जो है इसको हम ले आते हैं, जो हमारे आइटम्स की हाइट एंड विड्थ है, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो है, और यहाँ से इंस्पेक्ट अगर करें तो यहाँ से आप और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला रो है, सेकेंड रो और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस प्रकार से टोटल 6 रोज हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए हमने टोटली 6 रोज को क्रिएट कर रखा है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को हमने यूज कर लिया, और इसके लिए भी हम रिपीट प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 3 कॉलम्स के अंदर इक्वल स्पेस में क्या हो जाने चाहिए, हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर टोटली 3 कॉलम्स क्या हो जाने चाहिए, क्रिएट हो जाने चाहिए 1FR के इक्वल। FR कर देते हैं और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेव। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टोटली 6 रोज क्रिएट हुई हैं, और इक्वल स्पेस के हमारे टोटल 3 कॉलम्स यहाँ पर क्या हो गए, क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड, थर्ड। अगर यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ जो है हमारे आइटम्स की, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उस कंडीशन पे आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है, ये वाली एरिया, ये सेकेंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा। इसी प्रकार से ये हमारी फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो होगी, और ये थर्ड वाली रो होगी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स वाली। इस प्रकार से हम इक्वल स्पेस के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे 2 कॉलम्स ही चाहिए यहाँ पर, तो 100% विड्थ के अंदर यहाँ पर 2 कॉलम्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये फर्स्ट कॉलम्स, और इक्वल स्पेस में क्या हो गया है, डिवीजन यहाँ पर हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको 1 ही चाहिए तो आप यहाँ से 1 भी रख सकते हैं। यहाँ से 1 हमने कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर टोटली जो कॉलम है हमारा वो 1 कॉलम ही होगा, जिसका मतलब यहाँ पर नथिंग है, यानी कि कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टोटल 3 कॉलम्स कर देते हैं और 6 रोज कर देते हैं। इस कंडीशन पे जो हमारा ग्रिड का लेआउट है वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो जाता है, यहाँ से फॉर्म हो जाता है, और हमको एनालाइज करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में, यानी एक टेबल के फॉर्म में क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पर फिट इन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर जब भी हमें 2D लेआउट की बात करते हैं, जब भी हम 2D लेआउट की बात करते हैं, उस कंडीशन पे हम ग्रिड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी हमें सिर्फ रोज चाहिए हो या फिर सिर्फ कॉलम चाहिए हो, यानी इंडिविजुअल रोज के लिए, इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए, हम कभी भी ग्रिड प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब भी हमें 1D एरे के अंदर अपने डेटा को क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है या फिर डिस्प्ले कराना होता है, उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को ही यूज कर रहे होंगे। लेकिन जब भी हमें टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कराना होता है, यानी रो एंड कॉलम की फॉर्म में, दोनों चीजें जब भी आपको चाहिए हो, उस कंडीशन पे आप ग्रिड को यूज करेंगे, यानी कि ग्रिड की प्रॉपर्टी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को ही प्रिफर करेंगे, जिससे आपका जो लेआउट होगा और जो एनालाइज करने का वे होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा, और एक काफी एक्सपीरियंस, यानी एक अच्छा प्रोग्रामर
कहलाने के लायक होगा, यानी कि आप अच्छे तरीके से जब भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं जो भी आपने डिजाइनिंग कर रखी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और चीज होती है, जैसे हम यहाँ पर रिपीट 3 लिखते हैं उसके बाद 1FR लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट 3 कॉलम्स यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या लिख दिया, इसके लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स हमें कॉलम्स को क्रिएट करना है, तो रिपीट को विदाउट यूज किए हुए 1FR उसके बाद 1FR जितनी टाइम्स आपको चाहिए हो उतनी टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 1FR राइट कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ से जो चीजें जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको रिपीट प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, 2 काउंट्स लिखना है तो आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1FR 1FR, इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम्स इसको आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 टाइम्स क्रिएट करना है तो उस कंडीशन पे आप 1FR 1FR 100 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट काउंट में 100 पास कर दीजिए उसके बाद 1FR कर दीजिए। इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे लेआउट में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स, जहां से हमने ये सीखा कि ग्रिड टेम्पलेट रिपीट प्रॉपर्टी को किस प्रकार से हम यूज करके अपने किसी भी डेटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में इक्वल स्पेस, जो भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको इक्वली किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं और एक अच्छा ग्रिड टेम्पलेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको उसी केस में यूज करना है जब हमें रो एंड कॉलम दोनों चीजें क्रिएट करनी होती हैं, तभी हम ग्रिड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।